गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ की एक्सरसाइज 7.3 कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन करा दिया था, 7.2 के लास्ट के टू क्वेश्चंस थे उनके साथ में, ठीक है। बाकी आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपको आप जो है थर्ड क्वेश्चन ऐड द फॉलोइंग्स, यानी फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शंस को ऐड करना, ऐड द फॉलोइंग्स, ठीक है। इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि फर्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन है, 1/6 प्लस 7/6, ओके, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले देखिए, फ्रैक्शन होती है उसमें दो चीजें होती है, न्यूमरेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। इसमें भी सेम है, इसमें भी आपका सेम है, ठीक है। तो जब फ्रैक्शन को हम ऐड करें, चाहे तो ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, आपको बस ये देखना है अगर डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं, कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो हम इनको बिना कुछ किए सीधा न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। यानी 7 यहाँ पे 1 ये 7/1 8 अपॉन नीचे वाला को भी ऐड नहीं करके जितना है 6 है दोनों का, तो 6 ही यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। कट कर सकते हैं, 2 4 8 2 3 6, तो कितना आ गया आपका 4/3, ओके। ये कब की बात होती है, जब न्यूमरेटर्स हमारे सेम होते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर्स हमारे सेम होते हैं, जैसे यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है आपका, ठीक है। अब देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन जिनमें आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया हो, जैसे कि ये देखिए ई वाला आपका, ठीक है, ई वाला है आपका 9/20 प्लस 2/15 प्लस 2/15, ओके। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 20 यहाँ पे 15, तो इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर लेंगे हम कि 9 to 11 उनको भी ऐड करके आप देख लें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है वो समझिए, पहले 20 और 15 का आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आप लेंगे जब तो 60 आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करेंगे, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, 23 60 होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देंगे, ठीक है। और 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 4 60 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर देंगे। अब देखिए 9 3 27 प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेंगे, 4 2 8, ठीक है। अब देखिए 27 और 8 को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 8 7 15 5 31 35 अपॉन में क्या है हमारा 60 है, इसको 5 से कट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 7/12, ये हो गया 100, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एक पे 3 वाला और करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि ये लीजिए जे वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका 2 होल पाई अपॉन 7 प्लस 9/14 प्लस 3 होल 1/14, इसमें करना क्या पहले, ये तो आपको भी पता है, किनको पहले इम्प्रॉपर चेंज करना है, 7 2 14 14/5 19/7 प्लस, ये तो है चेंज तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। प्लस 2 3 6 6 7/2, देखिए तीनों ही डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है, ठीक है। अगर फर्क नहीं पड़ता कि दो भी हमारे सेम है, अगर तीन फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं और तीनों के ही जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर तीनों में से किसी एक का भी डिफरेंट है तो फिर हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा, 14 LCM आ जाएगा इसका बेटा, ठीक है। 14 LCM आ जाएगा, फिर वही प्रोसेस 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 14 2 times 2 का यहाँ, 14 1 14 तो 1 का यहाँ, और 2 7 14 तो 7 का यहाँ। अब देखिए 19 2 38 प्लस का साइन है, प्लस लगा लेंगे, 9 1 9 प्लस का साइन है, प्लस लगा लेंगे, 7 7 49। अब इन तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है, 9 9 18 18 और 8 26 का 6 carry 2 4 2 6 6 3 9 96/14 उसे कट कर सकते हो आप, 2 4 8 2 8 16 और 2 7 14, यानी कि 48/7। इसको अगर चेंज करना है आपको तो 7 से 48 को मैं बता दे रहा हूँ डिवाइड कर देंगे, तो 7 6 42 8 2 6, तो ये वाला 6 है आपको होल में लिखना है, ये वाला 6 ऊपर और ये वाला नीचे, ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, 3 मैंने आपको करा दिए हैं, काफ़ी अच्छे से समझाए भी हैं, तो बाकी के जो है आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, फर्स्ट है आपका 2/9 फ्रॉम 4/9। तो फ्रॉम वाले में मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रॉम वाला आपको पहले लिखना है, यानी 4/9 माइनस सब्ट्रैक्ट है ना, तो माइनस फ्रॉम की लिखा 2/9। डिनोमिनेटर्स हमारे सेम है, डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2/9 नीचे 9, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये ऐसा लिया हमने 4/5 पहले लिखना है फ्रॉम वाला, तो फ्रॉम की जगह माइनस करना है 3/10। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर्स हमारे कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 10 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 का यहाँ, और 10 बन जा 10 1 टाइम तो 1 का यहाँ, तो देखिए 4 2 8 माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे 3 1 3, 8 से 3 जाएगा कितना बचेगा 5/10, तो 5 5 5 2 10, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसका लास्ट वाला, देख लेंगे एच वाला। ठीक है, एच वाला है ये है 5/8 फ्रॉम 13/2। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम वाला इधर लिखा है, इसको चेंज कर लेंगे 2 13 का 26, 13 का 26 27/2 माइनस फ्रॉम जी का माइनस, और एक बार जब 40/1 41/8 एलसीएम लेंगे, डिफरेंट डोनर में कैसे तो 8 आ जाएगा, देखिए 2 4 जाएगा तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई और 8 बन जाएगी यहाँ 1 का। अब देखिए 4 7 28 का 8 कैरी 2 हो जाएगा 2 10 माइनस 41 बन जाए 41 कितना बचेगा 8 में से बन जाएगा हमारा 7 बन जाएगा, और यहाँ से कहेंगे 10 में से 4 जाएगा 6 बन जाएगा 67/8। इसको चेंज कर लेंगे जैसे अभी हमने किया था, 8 से इधर देख लीजिए 867 को डिवाइड करेंगे, 8 8 64, 7 से 4 जाएगा 3। क्वेश्चन जो आता है उसको बोल्ड में लिखना है, रिमाइंडर को ऊपर पहुंचा देना है, 3/1 और जो 8 से डिवाइड किया वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो ये 4 वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला हुआ था वैसे ही, सॉरी जैसे थर्ड वाला हुआ था वैसे ही हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 का, वो 5.5 नंबर का, उसको और देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 5th वाला क्वेश्चन है हमारा, सिंपलीफाई करना है, इसमें 2 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिए कैसे होगा, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 9 9 4 13/9 प्लस लगाया, प्लस लगाएंगे 9 2 18 8 26/9 माइनस 1, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 तो सेम है हमारे, डिनोमिनेटर्स 1 डिफरेंट है, तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, एलसीएम का 9 आ जाएगा, तो 9 बन जाए 9 ना 1 का मल्टीप्लाई, 9 बन जाए 9 ना भी 1 का, 1 9 जा 9 ना 9 का। अब सिंपली आपको करना कुछ नहीं, बस 13 बन जाए 30, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा लेंगे, 26 बन जाए 26, माइनस का साइन है तो माइनस का, और 9 बन जाए 9। अब ये देखिए इनका प्लस के कौन से हैं, ये 2 प्लस के हैं, उनको ऐड कर देंगे, यानी कि 26 और 13 कितना हो जाएगा 39, इन दोनों को ऐड करके 39 आ गया, माइनस 9 बचा हमारा, माइनस 9/9। अब देखिए 39 में से अगर 9 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बच जाएगा हमारा, नीचे लिख लेते हैं कितना बच जाएगा 30/9। देखिए अब 3 से 9 बढ़ जाएंगे, 3 10 30 और 3 3 9, अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 3 से 10 को डिवाइड कर देंगे, 3 3 9 1, तो ये क्वेश्चन वाला हमारा आ जाएगा होल में, रिमाइंडर का अपन ऊपर और अपन इससे डिवाइड किया था हमने 3 से, तो 3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए इसको चेंज करते हैं, 12/11 का मल्टीप्लाई, 12/11 का मल्टीप्लाई 132, और इसमें 5 ऐड करना है, 137 हो जाएगा, तो 137 यहाँ पे 137/11 माइनस है, माइनस 22 6 जा 132 में 17 ऐड कर देना है तो 3 1 4 149 हो जाएगा। ठीक है, 10 2 9 3 1 4 149/22 हो जाएगा, प्लस लगा है, प्लस लगा 33 बन जाए 33 और 10 43/33। ठीक है, ये चेंज हो गया, और इसमें देख लीजिए तीनों ही डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट हैं, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 11 22 33 का, तो 66 एलसीएम आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 11 6 66 यहाँ 6 का
22 थ्री जा तो यहाँ थ्री का और 33 टू जा तो यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 × 42 = 2 कैरी 4 18 और 22 का 2 कैरी 2 6 − 6 = 2 8 माइनस 3 × 9 = 27 का 7 कैरी 2 3 × 4 = 12 14 का 4 कैरी 1 3 × 3 = 1 4 ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 × 6 = 2 ठीक है। तो ये आपका इतना हो जाएगा ठीक है। तो ये सॉल्व कर लिया हमने मल्टीप्लाई करके, इसके बाद देखेंगे ये प्लस का है हमारा, ये प्लस का है तो प्लस प्लस वालों को अलग ऐड कर लेना है। तो 822 और 86 को ऐड कर लेंगे, 8 × 8 = 10 ये हो जाएगा आपका 908। तो ये हो गया 908 माइनस का कौन सा बचा हमारा 447 और अमाउंट 66। अब 908 में से 447 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 908 लेंगे और 447 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो ये 1 10 में से हो जाएगा 6 बच जाएगा और 8 में से हो जाएगा 4, तो कितना बच जाएगा हमारा 461/66 बच जाएगा ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना है इनको कि डिवाइड कर देना है 66 से 461 को। तो देखिए 66 से अगर 461 को डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितने बार 6 × 5 = 30 6 × 6 = 36 6 × 7 = 42 6 × 6 = 48 तो 6 ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा तो 67 462 आ जाएगा, ज़्यादा हो रहा है तो 6 × 6 = 66 और यहाँ पर 50 में से बनाएगा 6 बन जाएगा ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये हमारा पूरा ओवर में आता है, रिमाइंडर होता जाता है 65/66 ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया मिसाल का आंसर हो गया ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन उसके मैंने आपको करके दिखा दिए हैं अच्छे से ठीक है, आई होप समझ में आ गए होंगे आपके और आपके पूरे 5 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए, यानी कि एक्सरसाइज जो है आपकी कौन सी थी ये 7.3 ये कंप्लीट हो गई है ठीक है। तो अगर क्वेश्चन करके देखिएगा ना तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा ठीक है। और इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 7.4 वो कल से हम स्टार्ट करेंगे ठीक है। ओके थैंक यू।